गोंडा में प्रशिक्षण के लिए जा रही एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मोबाइल में आग लग गई। महिला जैसे ही जिला अस्पताल के सामने फल की दुकान पर रुकी ही थी कि उसके बैग से धुआं निकलने लगा। उसने घबरा कर बैग खोला तो देखा कि मोबाइल में आग लगी है। आनन फानन में मोबाइल सड़क पर फेंक कर पानी डाल जल रहे मोबाइल को स्थानीय लोगों ने बुझाया। मोबाइल आंगनबाड़ी विभाग से मिला है और बेहद ही घटिया क्वालिटी का है। मैं आंगनबाड़ी है अमिता सुमन गाँव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ। आज मैं प्रशिक्षण के लिए कार्यालय आ रही थी, रास्ते में मेरा मोबाइल पर्स में ही ब्लास्ट हो गया और जिसमें मेरा पर्स साड़ी हार सब जल गया और हम लोग इस मोबाइल से मतलब काम करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये खाली आपकी मांग है या सारी आपके साथ में? ये घर में भी तो कभी जल सकता है। ये आंगनबाड़ी ICDS की योजना से विभाग से काम करने के लिए मिला था, ICDS का काम करने के लिए मिला। हाँ, हम लोगों को मतलब मोबाइल भी मिला है, फिर उसके बाद रजिस्टर भी हर बनाना है और मोबाइल पे काम करना है उसका अलग। जी, हमने कार्यालय में शिकायत किया है ICDS को। हम लोगों को मोबाइल से मतलब दहशत सी हो गई, अगर घर में मेरा ये मोबाइल चल जाता तो हो सकता था कि घर में भी कोई दुर्घटना हो सकती है। वहीं इस पर अधिकारियों का कहना है कि जिले में विभाग के दिए मोबाइल में आग लगने की दूसरी घटना है, इसकी जांच कराई जा रही है। तो उसने फेंका है सर, और फेंकने के बाद उसने उसमें पानी वानी डाला है, जो कि स्थिति आपको भी हमने दिखाई दिया कि वो किस तरह से फटा है सर। ये समस्याएं हैं यहाँ, मतलब कि कई कार्यकर्ताओं की मैसेज है हमारे पास कि मोबाइल हीट हो रहा है। 156 मोबाइल है जिसमें यह दूसरा केस है। एक मोबाइल इसके पहले अप्रैल में इस तरह की घटना घटी थी, वो जल गया, घर में ही जला। वो ये सही बात है, अगर मोबाइल सामने फट रहा, अगर मान लीजिए बात करते समय फटता तो हो सकता है उसकी शारीरिक क्षति बहुत होती, तो दहशत तो एक स्वाभाविक चीज है। अगर कान के पास बात करते समय अगर ये फटता तो हो सकता है शारीरिक डैमेज होता, और होता भी है इस तरह का। अगर मोबाइल फटते हैं तो डैमेज शरीर का ही होता है आदमी के, मतलब कि ये जानलेवा भी होता है। लेकिन ये संजोग अच्छा रहा कि मोबाइल उसके पर्स में फटा है, और जो भी हुआ ये इसकी सूचना हम लोग मुख्यालय भेज रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री डरी हुई है, और उनका कहना था कि हमें सरकार द्वारा बेहद निम्न गुणवत्ता का मोबाइल दिया गया जो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और फट भी जाता है। मोबाइल फटने के कई प्रकरण और भी सामने आ चुके हैं। ओड्डा से ओमचंद शर्मा की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।